दिल्ली में लोकतंत्र के जिस पर्व में नेताओं और वीआईपी वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसी पर्व में आम दिल्ली वाले पोलिंग बूथ तक बीते चुनाव के मुकाबले कम ही पहुंचे। 2014 यानी बीते लोकसभा चुनाव में जहां 65% वोटिंग हुई, वहीं 2019 यानी इस बार वोटिंग परसेंटेज 60.50% रहा, यानी बीते साल के मुकाबले तकरीबन 5% कम। आज दिल्ली आज तक आपको बताएगा कि बीते साल के मुकाबले तकरीबन 5% का ये मार्जिन किस सियासी पार्टी और कहां से किस उम्मीदवार पर चोट करेगा। लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और तमाम दूसरे नेता, जिनमें राहुल और सोनिया जैसे वीवीआईपी, जब वोट डालने निकले तो लगा कि दिल्ली में बंपर वोटिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसे 43 डिग्री का तापमान कहिए या फिर कुछ और, देश की राजधानी दिल्ली की एक भी सीट ऐसी नहीं रही जहां बीते चुनाव के मुकाबले वोटिंग बराबर या फिर ज्यादा हुई। नॉर्थ ईस्ट में जहां 2014 में 67.29% वोटिंग हुई थी, तो वहीं इस बार इस सीट पर वोटिंग परसेंटेज 63.41% ही रहा। कुछ ऐसा ही हाल दूसरी लोकसभा सीटों का भी रहा। ईस्ट दिल्ली ने बीते चुनाव में 65.35% वोटिंग करने का रिकॉर्ड बनाया था, तो वहीं इस बार इस सीट पर पूरे 4% कम यानी 61.95% रही। सबसे वीवीआईपी सीट माने जाने वाली नई दिल्ली सीट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र तो ऐसे रहे जहां वोटिंग परसेंटेज 60% के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया। नई दिल्ली में जहां 2014 में 65.8% वोटिंग दर्ज की गई थी, तो वहीं इस बार यानी 2019 में इस सीट पर वोटिंग 56.91% पर सिमट गई। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और चांदनी चौक जैसे लोकसभा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने भी पोलिंग बूथ का रुख कम ही किया। चांदनी चौक में जहां इस बार 62.67% वोटिंग हुई, तो वहीं बीते चुनाव के मुकाबले ये 5% कम रही। तो वहीं नॉर्थ वेस्ट में भी बीते चुनाव के मुकाबले करीब 3% वोटिंग कम हुई। फिलहाल तमाम सियासी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक कम वोटिंग का होना ये दिखाता है कि दिल्ली का मूड इस बार एक तरफा नहीं रहने वाला।